एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ मेरा गार्डन टूर करवाती हूँ। मॉर्निंग का समय है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बादल छाया हुआ है आसमान में, ज़्यादा धूप नहीं है। और देखिए यहाँ पर मैरीगोल्ड प्लांट्स लगाया हुआ है और ये है लेमन ग्रास, जो कि चाय में दे के पीने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बन जाता है चाय। और यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, हिबिस्कस का प्लांट है और अपराजिता का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट दोनों। अपराजिता का ब्लू एंड वाइट दोनों ही हैं। और ये है मीना, स्वीपर है, और साथ में है माली। दोनों खड़े होकर बस बात ही करते रहते हैं, काम वाम कुछ करना है नहीं। और ये है खीरा का प्लांट और साथ में है आपका तोरोई का प्लांट। दोनों ही प्लांट लगा हुआ है, अच्छा ग्रो भी किया है, लेकिन अभी तक एक भी फ्रूट नहीं आया है, ना खीरा निकला है ना तोरोई निकला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ब्रिंजल प्लांट्स लगाया है और ब्रिंजल प्लांट का ग्रोथ ठीक ही लग रहा है, अब देखते हैं कितना होता है। और पीछे है ग्रीन चिली, आप देख सकते हैं ग्रीन चिलीज काफ़ी निकल रहा है। मिर्ची आपको क्लोजली मैं दिखाती हूँ, काफ़ी यहाँ पे फ्लावर्स भी आया है मिर्ची का और साथ में मिर्ची भी काफ़ी हुआ है। तो चलिए थोड़ा आपको पास से मैं दिखा देती हूँ। और पीछे आप देख रहे हैं अरबी पत्ता और ये है पपीता। पपीता बहुत ही अच्छा अब हुआ है, अभी छोटे छोटे हैं, अभी ये और भी ग्रो करेगा। और ये है बीही का पेड़ और बीही के पेड़ में काफ़ी बीही लगा हुआ है छोटे छोटे, ये भी अभी पकेगा, थोड़ा और ग्रो करेगा उसके बाद पकेगा ये। तो बीही भी है मेरे यहाँ। और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं और क्या क्या लगा हुआ है। और ये है माली मेरा, जिसका नाम है लाभोर, और यहाँ पे ये लगाया था पालक और बगल में लगाया था धनिया पत्ती, लेकिन बारिश होने के कारण सभी कुछ लगता है ख़राब हो गया है, नहीं निकलेगा, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और उधर एक कुमड़ा का पेड़, जिसको देख के तो लग रहा है बिल्कुल कुमड़ा उसमें होगा नहीं, क्योंकि इतना पतला पेड़ है। और उधर है नींबू का पेड़ भी है, पर नींबू नहीं होता है, नींबू नहीं फलता है। और इधर बरबट्टी आप देख लीजिए, बरबट्टी इस बार काफ़ी निकला है, काफ़ी हो रहा है बरबट्टी अभी भी। एक मैरीगोल्ड के प्लांट में अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। और ये है भिंडी, भिंडी का काफ़ी इस बार निकला है, बहुत अच्छा भिंडी हुआ था और अभी भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी पेड़ थोड़ा ख़राब हो चुका है, अभी इसको निकाल के यहाँ पे कुछ और लगाएगा। और उधर चलते हैं, चलिए दिखाती हूँ, उधर है करेला, करेला का प्लांट, करेला भी अच्छा निकल रहा है। करेला प्लांट के साथ ही लगा हुआ है मीठा नीम पत्ता, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। और ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, वो लगाएगा कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का पौधा लगाएगा। और इधर है केला का पेड़ और देखिए पपीता का पेड़ भी छोटा छोटा निकल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या लगाया है माली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदरक का पेड़, अदरक घर में काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो कुछ मैंने पहले मैं माली को दे दी थी कि इसके लगा दो, और देखिए कितना अच्छा अदरक का पेड़ निकला है। और ये आमादा का पेड़ भी है, पौधा भी है आमादा, जो चटनी वगैरह में डालते हैं, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे पूरा तुलसी का बगान, और इधर है पुदीना पत्ता, पुदीना भी बहुत सारा है, फ्रेश पुदीना।
और यहाँ पे जो ज़मीन खाली है यहाँ पे ये लगाएगा टमाटर का पौधा भी ले आए हैं, आज ही लगाएगा टमाटर का पौधा। और ये देखिए, ये है फूल गोभी का पौधा और टमाटर का पौधा रखा हुआ है, अभी ये लगाएगा ये सबको और देखते हैं कितना होता है। अब आप देख लीजिए मेरे क्रोटोन्स कलेक्शन, काफ़ी सारे क्रोटोन्स हैं मेरे घर में और काफ़ी कलेक्शंस है। अभी मैं हाफ ही आपको दिखा रही हूँ, किसी और दिन मैं आपको पूरा बालकनी का भी प्लांट्स शेयर करूँगी आपसे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ऑफ 7 मिनट्स। सो प्लीज़ पूरा देखने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा आपको लगा क्रोटोन्स कलेक्शन एंड माय किचन गार्डन। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 150 और मेरा फेसबुक पेज है सीन्स नेस्ट। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऑन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।